नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं समीर चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने शरीर के रंग के बारे में। दोस्तों बहुत समय से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर ऐसा कुछ बताइए जिससे हमारे शरीर का रंग साफ हो सके, हम गोरे हो सके, हमारी झाई ठीक हो सके, हमारी ब्लैक स्पॉट जो हमारी बॉडी में है वो ठीक हो सके, हमारा अपना कलर को हम चेंज कर सकें। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यही सब बातें करने वाले हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जो हम अपने शरीर को रंग को बदलने में यूज कर सकते हैं। दोस्तों रंग बदलने की बात होती है तो लोग आगे ये समझते हैं कि उनका रंग बिल्कुल काले से गोरा हो जाएगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अपने स्किन का कलर 2 से 3 टोन ऊपर कर सकते हो, आप अपने रंग को 2 से 3 टोन ऊपर स्टेज तक लाइट कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि आपका निग्रो कलर है और आप बिल्कुल वेस्टर्न कलर बना लोगे तो ऐसा दोस्तों केवल बड़ी टेक्नोलॉजी ही कर सकती है। ऐसा कोई भी आयुर्वेद की दवा या कोई भी घरेलू दवा ऐसा नहीं कर सकती है। हम कोई भी आयुर्वेद की दवा या नेचुरल कोई भी दवा यूज करके 2 से 3 टोन ज़्यादा 4 टोन अपनी चेंज कर सकते हैं। अगर आपका कलर सांवला है तो आप गेहुआ कलर कर सकते हो, अगर आपका गेहुआ कलर है तो अपना ब्रिटिश कलर आप या थोड़ा सा लाइट ब्रिटिश आप कलर अपना कर सकते हो। तो दोस्तों जो गेहुआ कलर के लोग हैं वो लोग कभी कभी धूप से ज्यादा काले हो जाते हैं, उनका कलर सांवले कलर में आ जाता है और वो काफी काले हमेशा के लिए बन जाते हैं, उनका कलर दोबारा ठीक नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमने जो दवाई बनाई है दोस्तों, इस दवा का उपयोग करके हम जो हमारा परमानेंट कलर है हम उस कलर से और थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं। जो लोग कलर के कारण से काफी डिप्रेस होते हैं कलर में एकदम से ताजगी आ जाती है, काफी कलर चेंज हो जाता है, काफी चमक आ जाता है, काफी सुंदरता आ जाती है और बॉडी में जो भी दाग धब्बे होते हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं। दोस्तों वैसे तो शरीर का कलर हमारे फैट परसेंटेज पे भी डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, क्योंकि अधिकतर जो हेल्थी लोग रहते हैं उनके कलर काफ़ी अच्छा होता है और जो काफ़ी वीक लोग रहते हैं, वीक बॉडी रहती है, उनका कलर थोड़ा सा दबा हुआ रहता है। हाँ आपका पैदाइशी ही बहुत अच्छा कलर है तो बात अलग है, लेकिन अगर नेचुरलिटी में जाएँ तो थोड़ा हेल्थी लोगों का कलर थोड़ा सा अच्छा होता है और जो दुबले पतले लोग रहते हैं उनका कलर थोड़ा सा दबा हुआ रहता है कंपेरिजन टू फैटी लोगों के। तो दोस्तों हम अगर अपना कलर अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपनी डाइट का ही ध्यान देना होगा, हमें अच्छा प्रोटीन लेना होगा, अच्छा फैट लेना होगा, अच्छे फ्रूट्स लेने होंगे, अच्छे विटामिन्स यूज़ करने होंगे और रेगुलर हमको व्यायाम भी करना होगा। सबसे पहले दोस्तों कलर पर डिपेंड करता है हमारी मानसिकता। अगर हमारी मानसिकता बहुत अच्छी, अगर हम डिप्रेशन में नहीं रहते हैं, अगर हम टेंशन में नहीं रहते हैं तो हमारे चेहरे पर चमक बहुत अच्छी होती है, हमारा कलर बहुत अच्छा होता है, हमारी खुशी भी हमारी सुंदरता को शो करती है। तो जो लोग भी कलर अपना चेंज करना चाहते हैं, जो सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं, वो सबसे पहले अपने माइंड को खुश रखें, डिप्रेशन में ना जाने दें, ऐसी डिप्रेशन वाली चीजों को दूर रखें और दूसरों को भी डिप्रेस ना करें और खुद भी डिप्रेस ना हो, क्योंकि दोस्तों प्रकृति में जो जैसा देता है वो वैसा पाता है। तो कभी भी आप ऐसे कोई काम ना करें जिससे दूसरों को भी डिप्रेशन हो और बाद में प्रकृति आपको भी किसी प्रकार की डिप्रेशन दे। अगर आप दूसरों को सम्मान देते हो तो बदले में आपको भी सम्मान मिलेगा। तो दोस्तों खुशी भी हमारे रंग को अच्छा करने के लिए एक उपाय है, खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुशी के साथ ही आप अच्छी डाइट कर सकते हो, अच्छा व्यायाम कर सकते हो। दोस्तों जिस दवा के हम बारे में बात कर रहे हैं मैं आपको वो दवा बताने का तरीका बता रहा हूँ कि दवा कैसे बनाना है, कैसा उपयोग करना है और वह दवा से हम अपना कलर कहाँ तक ठीक कर सकते हैं। दोस्तों ये आयुर्वेद की एक बहुत पुरानी दवा है जो कीमिया पद्धति में उपयोग की जाती है, कीमिया पद्धति से बनाई गई है। आयुर्वेद में एक रसायन प्रकृति होती है, एक कीमिया प्रकृति होती है। कीमिया जो प्रोसेस होती है वो धातुओं को बदलने का काम करती है, रसायन जो रहती है वो जो आयुर्वेद के जो रस हैं, जो धातु हैं, उनका उपयोग करके दवाइयाँ जो बनाई जाती हैं उसमें काम करती है। तो हम इस दवा का जो उपयोग करते हैं वो कीमिया की दवा है जो धातुओं पे जो काम करते हैं, जो धातुओं को बदलते हैं, एक धातु को दूसरे धातु में बदलते हैं, उस प्रोसेस में कुछ दवाइयाँ बनाई जाती हैं, वह दवा इस दवा की है। तो दोस्तों मैं आने आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि दवा कैसे बनानी है और कैसा उपयोग करना है। उसके पहले दवा के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि दवा जो उपयोग करते हैं, इस दवा को आपको हफ्ते में केवल 5 दिन उपयोग करना है, फिर 4 दिन का गैप देना है, 4 दिन के बाद फिर 5 दिन उपयोग करना है, फिर 5 दिन का गैप देना है, ऐसे ऐसे आपको दवा का गैप बढ़ाते जाना है और धीरे धीरे दवा कम करना है। आप 2 महीने 3 महीने में इस दवा का उपयोग कर सकते हो, फिर 2-4-5 महीने गैप करके इस दवा का उपयोग कर सकते हो। इस दवा को रेगुलर नहीं लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये दवा थोड़ा सा हार्मोनिकल्स चेंज करती है, तो ज़्यादा हार्मोनिकल्स चेंज को करने वाली दवाओं को ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है, नुकसान करता है। तो दोस्तों आपको 1 से 2 महीने ही इस दवा को लेना है। इस दवा के साथ साथ दोस्तों आपको डाइट बहुत अच्छी होना चाहिए, आपकी डाइट में घी होना चाहिए, दूध होना चाहिए, दही होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ों का यूज़ नहीं करते हो तो भी ये दवा आपको नुकसान करेगी, क्योंकि जो दवा हार्मोन्स के ऊपर काम करती है वह दवा आपको अच्छे न्यूट्रिशन को मांगती है। अच्छा न्यूट्रिशन अगर आप नहीं दोगे तो आपकी बॉडी को डैमेज करेंगे। तो आपको एक अच्छी डाइट भी करना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप इस दवा का उपयोग करें तो आप मुझसे डाइट के बारे में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पर बात कर से व्हाट्सएप पर चैट करके। दोस्तों कलर जब साफ करने की बात आती है तो दोस्तों हमें कुछ ख्याल और रखने होते हैं कि आप कौन सा सोप यूज करते हो, आप कौन सा पानी यूज करते हो, किस तरह के पानी में अपने शरीर को धोते हो, आपके यहाँ जो पानी है वह कैसा है।
आपकी स्किन को सूट करता है नहीं करता, क्योंकि बहुत सी जगह का पानी बहुत से लोगों को सूट नहीं करता है। आप कौन सा साबुन यूज़ करते हो, कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हो, ये भी डिपेंडिंग करता है। आप कौन सी क्रीम लगाते हो, ये भी डिपेंडेंसी करती है। तो दोस्तों आपको ये सब चीज़ के बारे में भी जानकारी लेनी होगी, आप उसके बारे में मुझसे आप चैटिंग पर बात कर सकते हो। बहुत सी आयुर्वेदिक वाली भी क्रीम बनाई जाती है दोस्तों, उन क्रीम को भी आप उपयोग कर सकते हो। आने वाले समय में मैं कुछ क्रीमों के बारे में भी जानकारी दूंगा कि आप खुद की क्रीम बनाइए जिससे आप कलर साफ कर सकते हो, खुद के फेस पैक बनाइए, खुद के हेयर शैम्पू बनाइए, वो भी मैं आपको आने वाले समय में जानकारियां दूंगा कि खुद के आप नेचुरली शैम्पू बिल्कुल प्योर 100% घर का बनाया हुआ शैम्पू कैसे बनाना है, क्रीमें कैसी बनानी है, फेस पैक कैसे बनाना है, कि जिनका उपयोग करके एक बार ही उपयोग करके आप चमत्कारिक लाभ देखेंगे और बोलेंगे कि ऐसा शैम्पू, ऐसा साबुन या ऐसा पैक हमने आज तक उपयोग नहीं किया। तो इस तरह की चीज़ें मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा दोस्तों। समय की कमी के कारण से कुछ चीज़ें नहीं बता पाता हूं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय मिलेगा, जैसे ही मुझे लोगों की डिमांडिंग लगेगी, मैं वो वीडियो बनाता रहूंगा। तो दोस्तों चलते हैं कि इस रंग को गोरा करने वाली दवा किस तरह से खाना है और किस तरह से बनाना है। दोस्तों इस ये दवा कीमियाकारी दवा है, इसको साधारण व्यक्ति बनाने की कोशिश ना करें। जो व्यक्ति आपके आसपास किसी वैद्य के संपर्क में है, जो कीमिया पर काम करता है, जो धातुओं को बदलने पर काम करता है, वह इस दवा को बनवा सकता है और वह दवा इसको उपयोग कर सकता है। इस दवा में डाइट का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। आप कौन सी क्रीम लगा रहे हो, कौन से साबुन लगा रहे हो, उसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि आप क्या यूज कर रहे हो। तो दोस्तों चलते हैं कि इस दवा का उपयोग कैसे करना है और दवा ये कैसे काम करती है, कैसे इसको खाना है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि इस दवा को बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की हमको ज़रूरत है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं हमने क्या क्या सामग्री ली है। सबसे पहले दोस्तों हमको लेना है शुद्ध शिलाजीत। दोस्तों शिलाजीत को आपको शुद्ध करना है। शुद्ध करने का तरीका काफ़ी वैद्य लोग जानते हैं और काफ़ी आपको YouTube पर भी काफ़ी जगह मिल जाएगा कि शिलाजीत को शुद्ध करके कैसे उपयोग करना है। इसके बाद दोस्तों हमने लिया है मोती भस्म। दोस्तों इसको भी मोतियों को शुद्ध करके इसको बनाया जाता है, इसको बारीक पीसा जाता है, फिर हमको मोती भस्म की प्राप्ति होती है। इसके बाद दोस्तों लिया हमने शुद्ध हड़ताल। दोस्तों ये दवा इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हड़ताल को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी होती है। इसमें 70% संख्या होता है और बहुत विषैली चीज़ है, इसको शुद्ध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे चल के मैं इसको शुद्ध करने का तरीका बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करूंगा। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने लिया है दही और हम लोगों ने लिया है भांग बीज, इसके बाद लिया है धतूरा बीज और इसके बाद लिया हमने सिंगरप। दोस्तों ये कच्ची सिंगरप है, अभी शुद्ध नहीं है दोस्तों, देख रहे हैं पारा इसमें चमक रहा है दोस्तों, ये पारा है इसमें जो चमक रहा है, जो तो ये पारा को देख सकते हैं आप दोस्तों। इसके बाद हमको एक खरल की भी जरूरत पड़ेगी, ऐसा खरल होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों करना क्या है कि सबसे पहले आपको क्या सामग्री कितना लेना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमको एक तोला सिंगरप की ज़रूरत पड़ेगी, एक तोला हमको सिंगरप लेना है, एक तोला हमको शिलाजीत लेना है, एक तोला हमको मोती भस्म लेना है और एक तोला हमको हड़ताल लेना है। इन चारों औषधियों को हमको खरल के माध्यम से, इस खरल में हमको बराबर पीसना है, दही मिला के इसको पीस के हमको गोला बनाना है दोस्तों। इसको पीसने के बाद हम इसका गोला बनाएंगे और इस गोला को सिंगरप की तरह चौकोर या गोल बना सकते हैं दोस्तों, या छोटे छोटे टुकड़े भी बना सकते हैं। गोला नहीं बनाना है तो छोटे छोटे टुकड़े गोलियां भी बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इन सब की गोली बनाने के बाद आपको एक छोटी सी मटकी की ज़रूरत पड़ेगी या छोटा सा ऐसा मिट्टी का बर्तन जिसमें हम इस गोले को रख सकें। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है कि उस मिट्टी में, जैसे दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरे पास प्लास्टिक का बर्तन है, ऐसा ही बर्तन आपको मिट्टी का बर्तन लेना है। इस मिट्टी के बर्तन में आपको इस तरह से धतूरे के बीज डालने हैं, इसी तरह से आपको इसमें भांग के बीज भी डालना है। इसके बाद दोस्तों जो आप इन दवाओं का जो गोला बनाएंगे उस गोला को उठा के इसके ऊपर ऐसे रख देना है। इसके बाद जो आपके पास धतूरे के बीज बाकी बचेंगे और जो भांग के बीज और जो धतूरे के बीज बचेंगे इसके ऊपर से डालना है, इसको ढक देना है पूरा। पूरा ढकने के बाद दोस्तों इसको आप दूसरी मटकी से ऊपर ढक देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको इसको 2 दिन की आँच पर रखना है, आपको ऐसी आग लगाना है जो धीमी धीमी जलती रहे और 2 दिन तक उस मटकी में आपको आग देना है दोस्तों। इसके बाद ये चारों चीज़ें भस्म हो जाएंगी और जो ये सिंगरप है और जो ये सारी भस्में हैं ये सारी जल के इन सब बीजों में लग जाएगी। जो ये धतूरे के बीज दोस्तों है रखे हुए हैं, इनमें जो धतूरे के बीज इसके ऊपर रहेंगे और जो नीचे रहेंगे ये सारी भस्में जलने के बाद इन बीजों में लग जाएगी, पूरी चिपक जाएगी और ये भस्म हो जाएगी। और जो भस्म नहीं होगी उसको हम छोड़ देंगे, उसको हटा देंगे और जो इन बीजों में लगी रहेगी उसको हम यूज़ करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम इसको बारीक खरल कर लेंगे,
खरल करने के बाद इसको हम बारीक रख लेंगे। दोस्तों मैंने इसमें वीडियो जो डाला हुआ है उसमें मैंने दिखाया है कि जलने के बाद धतूरे के बीजों में किस तरह से ये मटेरियल चिपक जाता है और कैसा दिखता है। इसके बाद दोस्तों मैं भी आपको दिखाऊंगा करके, मैंने जो प्रोसेस की है मैं आपको इस वीडियो में डालूंगा उसको किस तरह से करना है। फिर उसके बाद उन बीजों को आपको बारीक पीसना है। बारीक पीसने के बाद दोस्तों हमको इस तरह का पदार्थ प्राप्त होता है, आप देख सकते हैं दोस्तों ये है, ये इस तरह का पाउडर प्राप्त होता है और यही हमारी दवा है। दोस्तों इस दवा को हमको कैसे यूज़ करना है, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 5 दिन यूज़ करना है और 5 दिन गैप करना है, 5 दिन फिर लेना है, 5 दिन गैप करना है, फिर 3 दिन लेना है, फिर 3 दिन गैप करना है। इस तरह से हमको दवा का यूज़ 2 महीने तक करना है, 2 महीने के बाद 2 महीने के लिए रोकना है। इस दवा का उपयोग करने से हमारी बॉडी का कलर दोस्तों 10 दिन में ही परिवर्तन दिखने लगता है, 10 दिन में ही हमारा शरीर गोरा हो जाता है। इस दवा का जो सेवन है दोस्तों केवल 1 या आधा चावल के बराबर लिया जाता है। जैसे दोस्तों इस दवा को लेने का जो तरीका होता है वो दही में ही होता है, 1 कटोरी आपको इतना दही लेना है और 1 चम्मच आपको इतना दही लेके ऐसे रखना है या इसको बाहर रख सकते हैं। दोस्तों अब मैं मोबाइल मेरे हाथ में है एक तो मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ, दोस्तों इस तरह से लेना है। इस दवा को कितना लेना है दोस्तों, 1 चावल इतना इतना दोस्तों, 1 चावल से भी ज़्यादा हो गया थोड़ा, बस इतना देखिए दोस्तों इतना लेके और इसमें इस तरह से दोस्तों हमको डालना है। तो इस तरह से दोस्तों ये देखिए दोस्तों इतना हमको डाल के इतना उपयोग करना है, इससे ज़्यादा मात्रा इसकी नहीं ले जा सकती दोस्तों, बहुत ज़्यादा हीट होता है, बहुत पावरफुल होता है, इससे ज़्यादा आप ना लें और किसी भी अकेले डिसीजन लेके ना लें, किसी भी वैद्य की या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की देख रेख में लें दोस्तों इसको। इतना दवा लेने के बाद फिर ऊपर से आपको ये पूरा दही पीना है। इसके बाद दोस्तों आप कोशिश करें कि इसके साथ घी भी पिएं, आप आधा कटोरी घी पीना है दोस्तों, पचाना इस दवा, ये दवा ऐसी है कि आप कितना भी घी पिएंगे आप पचा लेंगे, आपका पेट खराब नहीं होगा। ये दवा ऐसी, कितना भी दूध पिएंगे आप 5 लीटर दूध भी पिएंगे तो भी आपका पेट खराब नहीं होगा, आप कितना भी खोआ खा लीजिए, कितना भी दूध पी लीजिए आपका पेट खराब नहीं हो सकता। ये दवा ऐसी है, ये दवा पचाने के बाद सारे रस आपकी बॉडी में देती है और आपका रंग बिल्कुल खिल जाता है, रंग बिल्कुल खिल के आपका रंग बदल जाता है। केवल 10 दिन में ही हमारा रंग चेंज होता है, शरीर पूरा शाइनिंग मारने लगता है, अलग ग्लो मारने लगता है दोस्तों। तो दोस्तों इस दवा का फ़ायदा उठाकर इसका उपयोग करिए और कुछ भी अगर इसमें उपयोग करना चाहते हैं तो किसी वैद्य की देख रेख में इसका उपयोग करें। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों मुझसे आप व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8982752782। तो दोस्तों अब हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने ये दवा किस तरह से तैयार की है। दोस्तों सबसे पहले हमने इस दवा के ऊपर जमी हुई जो राख है, इसके ऊपर जो दूसरी मटकी रखी हुई थी, हम इसको 2 दिन से जला रहे थे, डायरेक्ट दिखा रहे हैं दोस्तों आपको, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लोग आप बोलते हैं सर बहुत लंबा वीडियो बनाते हो आप, तो मैं डायरेक्ट इसको 2 दिन चलाने के बाद इसको आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों इसके जो ऊपर की राख है, पहले इस राख को निकालेंगे हम, राख को अच्छी तरह से निकालने के बाद इसमें जो धतूरे और भांग के जो बीज रहेंगे उसको हम निकालेंगे। दोस्तों इसका जो प्रोसेस है इसको कीमिया भाषा में बोलते हैं पारा को कायम करना, धतूरे में और भांग में पारा पूरी तरह से कायम हो जाता है। पारा जिस भी चीज़ में जाता है उस चीज़ के तत्व को अपने में खींच लेता है और उस तत्व को पूरी तरह से हमारी बॉडी को प्रदान करता है। तो हमने धतूरे और भांग में इसको सिंगरप के माध्यम से इसको हमने गर्म किया और पूरे सिंगरप का जो पारा है इसमें कायम होकर इसके बीजों में पूरा संग्रहित हो गया। अब दोस्तों हम दिखा रहे हैं आपको कि इसके बीजों में किस तरह से पारा संग्रहित होता है, किस तरह से कायम होता है। कीमिया भाषा में इसको कायम करना बोलते हैं दोस्तों, पारा को कायम करना, सिंगरप को धतूरे और भांग में किस तरह से कायम करना है। तो दोस्तों देखिए पारा और धतूरे का समागम जो हुआ है वो कैसे हुआ है, ये देखिए दोस्तों, ये सिंगरप उड़ के पारा उड़ के पूरा धतूरे के बीच में आ गया है। और दोस्तों अब इसके जो बीज हैं उसको हम अलग रखेंगे और जो सिंगरप है वो हम इसको निकाल के अलग रखेंगे। इस सिंगरप का दोस्तों इसमें बिल्कुल उपयोग नहीं करना है, ये सिंगरप बहुत ज़्यादा पॉइजन वाली बन गई है, इसका कुछ दूसरी औषधियों में काम लिया जाएगा, इसमें इसका कुछ उपयोग नहीं है। इसमें सिर्फ हम इस भांग के बीजों का और धतूरे के बीजों का उपयोग करेंगे, ये सारा सिंगरप हम निकाल देंगे क्योंकि सिंगरप का पूरा पारा उड़कर धतूरे और भांग के बीज में कायम हो गया है और जो खेल है अब पूरे धतूरे के बीजों का और भांग के बीजों का है, एक सिंगरप में अब कुछ नहीं बचा। लेकिन इस सिंगरप का भी आयुर्वेद में कुछ यूज होता है वो अलग मैटर है दोस्तों, अभी हम जो रंग गोरा होने के बारे में दवा बना रहे हैं उस दवा के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों रंग गोरे का मतलब ये ना सोचें आपके काला व्यक्ति सफ़ेद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, केवल हमारी 2-3 स्टेज ऊपर की टोन ऊपर होती है। अगर किसी का कलर 5 नंबर टोन का है तो किसी का कलर 7 नंबर हो जाएगा,
अगर 7 नंबर का टोन है तो 9 नंबर का हो जाएगा। जो लोग कलर टोन के बारे में समझते हैं तो वो जान रहे होंगे टोन क्या होता है, मतलब अगर उनका कलर थोड़ा डार्क है तो हल्का साफ़ हो जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा लंबे समय तक दवा चलेगी तो और साफ़ हो जाएगा। पूरा कलर ऐसा तो नहीं होता है कि पूरा सफ़ेद का काला, काला का सफ़ेद, काले रंग से पीला रंग हो जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। लेकिन हाँ, लोग आपसे बोलेंगे कि हाँ आप गोरे हो गए हो, आपका कलर साफ़ हो गया है, इतना चेंजेस आपके अंदर आ जाएगा और चेंजेस दिखेगा। ऐसा नहीं कि 19-20 नहीं दिखेगा दोस्तों, 19-24, 19-23, 19-25 दिखेगा, मतलब कलर आपको चेंज दिखेगा। तो दोस्तों ये देखिए धतूरे के बीच जो लाल लाल हो गए हैं और इसमें पारा देखिए दोस्तों अलग से चमक रहा है, ये दोस्तों हमारा जो बचा हुआ सिंगरप था। तो दोस्तों ये हमारा जो बचा हुआ सिंगरप था वो हमने अलग कर लिया है और ये देखिए बीजों में पारा चमक रहा है, जो सिंगरप इसमें लग गया है इसको बोलते हैं पारा का कायम हो जाना। देखिए दोस्तों ये किस तरह से पारा चमक रहा है, पूरा धतूरे के बीजों में, भांग के बीजों में समाहित हो चुका है, पूरा सिंगरप का असर इसमें चला गया है और सिंगरप का जो गंधक था वो अलग हो गया है। ये गंधक जो इसमें मिक्स रहता है उस गंधक को हमको उपयोग नहीं करना है दोस्तों। सिंगरप जो है वो मैंसिल पारा और गंधक से मिला हुआ चीज़ रहती है, इसका गंधक हमको अलग करना है और उसका पाया जो पारा होता है उसको कायम करना है। तो हमने धतूरे के और भांग के बीच में कायम किया है और इसी को हम औषधि के रूप में इसको खरल करके इसका दवा बनाएंगे। और दोस्तों रंग आदमी का इस दवा से काफ़ी साफ़ होता है, 3 स्टेज तक साफ होता है। अपने खान पीन का अच्छा ध्यान रखें, धूप से बचे, अच्छी क्रीम का उपयोग करें, जो उसको क्रीम सूट होती है, जो साबुन उसको सूट होता है, आयुर्वेद से बने हुए पैक, आयुर्वेद से बने हुए साबुन उपयोग करें, उसमें रंग में काफ़ी परिवर्तन होता है, रंग पूरी तरह से चेंज होता है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।